हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऊजीज किचन। आज हम बनाने वाले हैं पनीर खुरचन। पनीर की सूखी सब्जी है, बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत टेस्टी लगती है। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून तेल ऐड कर देंगे। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज की प्याज ऐड कर देंगे, जिसे मैंने स्लाइस कर लिया है, और इसे कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे। जैसे ही थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा प्याज का, हम इसमें एक बड़े साइज की शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। शिमला मिर्च को भी मैंने स्लाइसेस में काट लिया है। हमें सभी सब्जियों को स्लाइस में ही काटना है इस रेसिपी में, उसी से सब्जी का टेक्सचर और टेस्ट आएगा। अब हम शिमला मिर्च को भी तब तक फ्राई कर लेंगे जब तक उसका कलर चेंज हो जाए। आप देख सकते हैं कि प्याज और शिमला मिर्च दोनों का कलर चेंज हो गया है और शिमला मिर्च भी थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। ये स्टेज पे ही हम दोनों सब्जियों को निकाल के अलग से रख देंगे। इन सब्जियों को हम बाद में ऐड करेंगे। इन्हें निकाल के रख देते हैं एक बोल में। अब हम इसी कढ़ाई में फिर से तेल ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून तेल ऐड किया है और इसमें हम 2 टेबलस्पून अदरक और 2 टेबलस्पून लहसुन ऐड कर देंगे, जिन्हें मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इसके साथ हम इसमें 3 हरी मिर्च ऐड कर देंगे चॉप की हुई, और 1 टीस्पून जीरा ऐड कर देंगे। अगर आपको हरी मिर्च ऐड नहीं करना है तो आप स्किप कर सकते हो। अब हम इन सब चीज़ों को थोड़ी देर तक पका लेंगे। हमें कलर चेंज नहीं करना है लहसुन का, बस तब तक पकाना है जब तक उसका कच्चापन निकल जाए। जैसे ही लहसुन गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, हम इसमें एक बड़े साइज के टमाटर की प्यूरी ऐड कर देंगे। ये कच्चे टमाटर की प्यूरी है। अगर मेजरमेंट कप में इसे मेजर किया जाएगा तो ये 1/2 कप है। अब हमें टमाटर की प्यूरी को तब तक पकाना है जब तक उसका पूरा मॉइस्चर निकल जाए। आप देख सकते हैं जितना भी मॉइस्चर था टमाटर में, वो पूरा इवेपोरेट हो चुका है। अब हम इसमें बाकी के सूखे मसाले ऐड कर देते हैं। गैस की फ्लेम को लो पे कर देंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर दीजिए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला। आप यहाँ पर किचन किंग मसाला भी यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है उससे। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। अगर आप सादी लाल मिर्च यूज़ कर रहे हो तो 3/4 टीस्पून ऐड कर दीजिए, या अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिए। अब हम इन सब मसालों को लो फ्लेम पर थोड़ी देर रोस्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं मसाले बहुत ड्राई हो चुके हैं। इसमें हम पानी ऐड करेंगे। मैंने 1/2 कप पानी ऐड किया है, लेकिन एक साथ पूरा पानी ऐड नहीं किया, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड किया है। गैस की फ्लेम को हाई पे कर देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मसालों को थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। आप देख सकते हैं मसालों का कलर कितना चेंज हो चुका है और कितना अच्छी तरह से मसाले पक चुके हैं। अब हम यहाँ पर टमाटर ऐड करेंगे। मैंने 1 मीडियम साइज़ के टमाटरों को स्लाइस कर लिया है। टमाटरों को ऐड करने के बाद हमें टमाटरों को तब तक पकाना है जब तक वो थोड़े सॉफ्ट हो जाए। हमें टमाटरों को सिर्फ हल्का सा सॉफ्ट होने देना है
उन्हें पूरी तरह से गलाना नहीं है। टमाटरों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं मसालों के साथ और थोड़ी देर पकने देते हैं। 3-4 मिनट में ही टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। ये परफेक्ट हो चुके हैं जैसे हमें चाहिए। अब हम ये स्टेज पे इसमें कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी ऐड की है और इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने जो स्टार्टिंग में प्याज और शिमला मिर्च फ्राई करके रखी थी उन्हें भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे और मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इस सब्जी में हमने जितनी भी सब्जियाँ डाली हैं वो सब स्लाइस करके ही ऐड की है। उसी से इसका टेस्ट और टेक्सचर बहुत ही अच्छा होता है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पनीर। मैंने यहाँ पर 200 ग्राम पनीर को इस तरह से लंबा लंबा काट लिया है। जैसे हमने सब्जियों को काटा था उसी तरह हमने पनीर को काटा है। अगर आप चाहे तो पनीर को भी फ्राई करके ऐड कर सकते हैं। मुझे पनीर इस सब्जी में बिना फ्राई किया हुआ ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने इसी तरह ऐड किया है। पनीर को सभी चीज़ों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, बट ध्यान रखिए हल्के हाथ से मिक्स कीजिएगा वरना पनीर के पीसेस टूट सकते हैं। पनीर को मिक्स करने के बाद हम थोड़ी देर इसे पका लेंगे। चम्मच से मिक्स करने की जगह मैं कढ़ाई से मिक्स कर रही हूँ सब्जी को, ताकि पनीर के जो पीसेस हैं वो टूटे ना। हम 4 से 5 मिनट तक सब्जी को पका लेंगे। उसके बाद हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें फ्रेश क्रीम ऐड कर देंगे। अगर आपको फ्रेश क्रीम ऐड नहीं करना है तो आप 10 काजू का पेस्ट ऐड कर सकते हो या 1 टेबलस्पून बटर भी ऐड कर सकते हो। फ्रेश क्रीम ऐड करने से सब्जी बहुत रिच बनती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। फ्रेश क्रीम ऐड करने के बाद सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम ऐड कर देंगे फ्रेश हरा धनिया। धनिया आप अपने चॉइस के हिसाब से कम ज़्यादा ऐड कर सकते हो। हमारी सब्जी बन चुकी है। अब हम इसमें 1 पिंच गरम मसाला ऐड करेंगे ऊपर से, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और हमारी पनीर खुरचन की सब्जी अब तैयार है। इसे आप गर्मा गर्म चपाती, पराठा या नान के साथ सर्व कीजिए और इन्जॉय कीजिए। आई होप आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, बाय बाय।